दोस्तों आंसर राइटिंग के सीरीज़ में नेक्स्ट हम जो एक चीज़ लर्न करेंगे कैसे एक क्वेश्चन को आप दो डिफरेंट अप्रोच से आंसर कर सकते हो कि एक क्वेश्चन पूछा है हो सकता है आपके पास पॉइंटर्स uh, हो उसके लिए ना हो बट उसके लिए दो डिफरेंट अप्रोच कैसे हो सकती है उसके लिए हम ये 2023 का क्वेश्चन नंबर 14 उठाते हैं जो जी वन में पूछा है क्वेश्चन uh, पहले पढ़ लेते हैं कमेंट ऑन दी रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया ये है पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हेजार्ड प्रिपेयरनेस इन दीज एरियाज़ तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये दो क्वेश्चन टोटली अनरिलेटेड है दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है अप्रोच हम जो डिफरेंट देखेंगे वो ये देखेंगे रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडिया क्या है इंट्रो कंक्लूजन पे हम आएंगे बाद में जैसे इन्होंने दो पार्ट खिचड़ी करके इन्होंने इंट्रो दे दिए वैसे हमने भी दे दिए कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं नेचुरल हेज़ार्ड्स भी हैं अप्रोच देखो क्या है एक अप्रोच है आप सीधे बताओ कि इस तरह से मिनरल रिसोर्स हैं ये वाले रिसोर्स हैं सारे इस टाइप के रिसोर्सेज हैं अगर आपको पता है ठीक है लिस्ट करते रहो कहाँ तक लिस्ट करोगे चौदह पंद्रह टाइप की तो मैंने लिख दी हैं एग्ज़ाम्पल लिखो मत लिखो एक और अप्रोच है जो आपको दूसरों से अलग एक एज दे के जाएगी वो अप्रोच क्या है पहले अप्रोच में हम वापस आएंगे जनरल अप्रोच है जो हम सब देते हैं ये वो अप्रोच है जो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर आपको एज प्रोवाइड करेगी जैसे कैसे मैंने कहा रिसोर्स पोटेंशियल इंडिया की के कोस्ट लाइन के कहाँ कहाँ हो सकते हैं सबसे पहली चीज़ रिसोर्स की जब हम बात करते हैं इकनॉमी में बात करते हैं तो इसका एक इकनॉमिक एक पोटेंशियल है फिर और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशनस हैं या पोटेंशियल है जियोपोलिटिकल पोटेंशियल है आपको पता है आज की डेट में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा झगड़े हैं या मेरी कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज हैं या जो नेवल बेसिस बना रहा है चाइना यूएसए इंडिया भी बना रहा है वो कहीं ना कहीं रिसोर्स पोटेंशियल से रिलेटेड है फिर इकोनॉमी के साथ ट्रेड एक जो ग्लोबल ट्रेड है उसका एक पोटेंशियल आपको दिखता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन है इस तरह से चौथा पोटेंशियल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मुझे एक पोटेंशियल दिखता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन पर इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या मैं उनका कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ फिर इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इस पोटेंशियल हो सकता है एक इसके अलावा बहुत सारे पोटेंशियल आप कह सकते हो इन्वायरमेंट की बात हमने यहाँ कर ली देखो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कहूँ ये जी एस थ्री है ये जी एस टू है पॉलिटी ये क्या है आपका ट्रेड पोटेंशियल ठीक है हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हो हिस्ट्री और इकनॉमी ट्रेड मेरी टाइम सिल्क रोड क्या है हिस्ट्री से लेकर आज की इकनॉमी देन ये क्या है इकनॉमी देन ये क्या है आपका इंटरनल सिक्योरिटी इतने सारे पॉइंट्स हैं इतने सारे पोटेंशियल है क्वेश्चन क्या कहा था इन्होंने रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हमने क्या कहा इंडिया की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जो यहाँ यहाँ को बॉर्डर करती है ठीक है आपको मैप बनाना है मैप बना दो जो ये एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है इंट्रो को हमने सिंप्लीफाई किया खेल गए हम अपने कॉन्टेंट में जहाँ ज़्यादा नंबर मिलेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ नेचुरल हेजार्ड प्रिपेयरनेस वो एक अलग ही टॉपिक है अगर हम प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस देखें तो आप देखोगे रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जी एस में ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में इन्होंने पूछा रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप इस बार 2023 में पूछ रहे रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया तो बेसिकली रिसोर्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं राइट अब रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप में भी आप यही सारे पॉइंट्स दे सकते हो देखो हो सकता है रिसोर्सेज लॉन्ग कोस्ट लाइन पर डिफरेंट हों डेक्कन ट्रैप पर डिफरेंट हो लेकिन इकोनॉमिक पोटेंशियल इनका भी होगा जियो पोटेंशियल इनका भी होगा स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशन इनके भी होंगे हो सकता है कि रिसोर्स कोस्ट लाइन पर आपको न्यूक्लियर मटेरियल मिल रहे हैं दूसरे टाइप का स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट है यहाँ दूसरे तरह का स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट है स्ट्रेटजिक का मतलब हमेशा सिक्योरिटी नहीं होता है स्ट्रेटजिक मतलब इकोनॉमिक में भी स्ट्रेटजिक हो सकता है पॉलिटिकल में भी स्ट्रेटजिक हो सकता है कई तरह की चीज़ जैसे स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके भी स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट हो सकते हैं बट हो सकता है उसका आप इंटर सिक्योरिटी से कोई डायरेक्ट पॉइंट ना ऐड करो राइट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका इम्पैक्ट हो सकता है ट्रेड में हो सकता है हर चीज़ में हो सकता है रिसोर्स पोटेंशियल में आप ये क्यों नहीं ऐड करते हो कि वाइल्ड लाइफ भी फॉरेस्ट भी एक रिसोर्स है तो टूरिज्म आपका एक पोटेंशियल हो गया ठीक है एंटरटेनमेंट एंड टूरिज़्म पोटेंशियल तो ये अगर आप इस तरह से सोचते हो ना तो आप एक डिफरेंट अप्रोच में जाते हो तो उस केस में आपके पास पॉइंटर्स रेडी हैं 2023 वाले क्वेश्चन के लिए एंड जो डिजास्टर प्रिपेयरनेस पे दूसरा क्वेश्चन पूछा आप देखो डिजास्टर से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स पूछे हुए प्रिपेयरनेस पे पूछा है कभी ड्राउट प्रिपेयरनेस पूछा है कभी अर्थक्वेक कभी सुनामी कभी अर्बन फ्लड की प्रिपेयरनेस कभी डायरेक्टली डिजास्टर प्रिपेयरनेस इस बार नेचुरल हैज प्रिपेयरनेस इन कोस्टल एरियाज ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो ये है कि कॉलोनियल uh, रूल ने कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल्स को इंडिया में और ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या था अब इसमें ट्राइबल रिस्पॉन्स इसमें हम अप्रोच समझते हैं ठीक है ये देख लो आप ये प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं अब इसमें अप्रोच क्या है एक अप्रोच जो आप कोर्स करेक्शन कर सकते हो आते हैं इस क्वेश्चन पे देखो कोलिन कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल्स को कैसे अफेक्ट किया वो ठीक है इंपैक्ट आपको पता है नहीं पता सोचो पढ़ो पढ़ते जाओगे समझ आ जाएगा अब इसमें दो अप्रोच क्या हो सकते हैं ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन दो तरह की अप्रोच है अगेन वैसी एक अप्रोच जो ज़्यादातर हम सोचते आए हैं जैसे यहाँ रिसोर्स पोटेंशियल क्या हमने कहा यहाँ मिनरल रिसोर्स मिलते हैं बीच सैंड मिनरल मिलते हैं मैरीन हैवी मिनरल ऑफ शोर ऑयल गैस मिलती है न्यूक्लियर मिनरल है बिल्डिंग मेट, बिल्डिंग मिनरल है फिशरी एक्वाकल्चर मेरीन एग्रीकल्चर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सॉल्ट भी एक रिसोर्स है किसने कहा सॉल्ट रिसोर्स नहीं है राइट तो ट्राइबल रिस्पॉन्स अगर आपको देखना है आपको बताना है कि कॉलोनियल ऑपरेशन के लिए ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या था मैं कहीं उनके नाम में तो नहीं चला गया कि संथाल रिवोल्ट ये था कुका रिवोल्ट ये था नागा रिवोल्ट ये था ठीक है डेक्कन में ये वाला ये सारे रिवोल्ट मैं रटने बैठ गया हूँ एक वो अप्रोच है जिस पर मोस्टली लोग जाते हैं जैसे आप वो क्वेश्चन याद करो कि भक्ति लिटरेचर का इम्पैक्ट क्या था या कुछ ऐसा है रोल इन कल्चर अब उसमें आप एक तो ऐसे ऐसे उसका आंसर दे सकते हो कि भक्ति लिटरेचर ये वाला लिटरेचर था उसका इम्पेक्ट ये ये वाला लिटरेचर था उसका इंपैक्ट ये इस तरह से दे सकते हो दूसरा एक जर्नलिस्टिक इम्पैक्ट आप दे सकते हो जिसमें जो ये नाम है ना वो एग्जाम्पल में चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भक्ति लिटरेचर का इम्पैक्ट इंडिया में क्या था इसने सेकुलरिज्म बढ़ाया ठीक है भक्ति लिटरेचर जो है अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिलीजन के पोएट्स द्वारा लिखे गए हैं और उस वजह से वो सेकुलर है फॉर एग्ज़ाम्पल भक्ति लिटरेचर्स बाई कबीर तो जो चीज़ आपकी हेडिंग बन रही थी ना वो एग्ज़ाम्पल बेसिकली अगर आप ये हेडिंग बनाने बैठोगे ना तो इसमें दो दिक्कतें हैं इसमें दिक्कत नंबर वन ये है कि ये प्रिलिम्स के फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स हमें मेंस के लिए एक्जैक्टली याद नहीं होते पॉइंट नंबर टू ये उतने रेलेवेंट नहीं आप ख़ुद सोचो अभी अगर मैं इनको हेडिंग दू, बना दूँ वर्ल्डली ट्राइब बना दूँ ये सारे बना दूँ दूसरा मैंने ये बनाया आर्म रेजिस्टेंस नॉन नॉन हुआ ट्राइबल रिवोल्ट हुए मूवमेंट हुए कल्चरल प्रिजर्वेशन को लेकर मूवमेंट हुए रिवाइवलिज्म वाले फॉरेस्ट राइट्स के लिए मूवमेंट हुए ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट हुए ट्रेडिशनल uh, गवर्नेंस को लेके उसको रिवाइव करने के लिए मूवमेंट हुए सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए अब अगर मैं इस तरह से लिखता कि बिरसा मुंडा मूवमेंट हुआ मीजो चीफ का मूवमेंट हुए देन तेलंगाना पीजेंट स्ट्रगल हुआ राजस्थान में बिश्नोईस का स्ट्रगल हुआ देन महाराष्ट्र में वरली का स्ट्रगल हुआ राइट right? एंड नागाज का तो इस वे में आपकी हेडिंग क्या होती यहाँ पर आर्म रिसिस्टेंस नहीं होती यहाँ पर आपकी हेडिंग होती संथाल आपका हो सकता पॉइंट्स अलग हो जाते हैं बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं ना तो आप ये ध्यान रखो मेन्स इज नॉट अबाउट फैक्ट्स अगर आप फैक्ट्स पे चले गए तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। ट्राई करो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसो तो फैक्ट को एग्ज़ाम्पल में डालो जो भी फैक्ट्स हैं उनको एग्ज़ाम्पल में डालो एंड जो एनालिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हेडिंग में डालो ये एक बेटर अप्रोच जैसे रिसोर्स पोटेंशियल मैंने कहा मिनरल रिसोर्स है बीच सैंड मिनरल है ये आप पॉइंट ज़रा याद रखना मेरीन मिनरल हैवी कुछ हमने चार पाँच पॉइंट्स रख लिए अब उठाते हैं यहाँ पर रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन मैंने कहा फिशरी एंड एक्वाकल्चर बता दो फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ फिशरी होती है पोर्ट एंड शिपिंग टूरिज्म मिनरल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल आप बता दो हमने यहाँ एग्जाम्पल में दे दिए ठीक है हो गया जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट मेरी टाइम सिक्योरिटी पर एक इम्पैक्ट होगा नेवल बेसिस पे इंपैक्ट होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ट्रेड पोटेंशियल इस तरह से आप जो चीज़ आपकी हेडिंग हो रही थी वो आपका एग्जाम्पल होगा इससे क्या होगा आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स एग्जाम में मेन्स में ज़्यादा सोचने का बर्डन ख़त्म सरदर्दी खत्म एंड पॉइंट्स भी आपके बेटर हुए राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल है ही वो हमने देख ही लिया है कि ये दो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर से कैसे रिलेटेड हैं ये यूट्यूब uh, की फ्री प्लेलिस्ट है ये देख लेना एंड अगर आप कोर्सेज में जाना चाहते हो तो सिनाक्सिसाइज की वेबसाइट पर जाके स्पेशल कोर्सेज में जाके आप कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट में